नजमा नूरैन ऊषा टायर पानी में चलाए, स्टीयरिंग ही नहीं। भारतीय सेना को मिला एटीओ आरएसएमवीएन 1200, हैरान कर देंगे फीचर्स। अहम बात है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित देश के अन्य राज्य में हर साल फ्लैश और लैंडस्लाइड सहित अन्य आपदा आती है और अक्सर आर्मी राहत और बचाव में जाती है और इस वजह से सेना को रेस्क्यू और आवाजाही में आसानी होगी। डॉट अब चाहे आपदा के बीच रेस्क्यू अभियान चलाना हो या फिर बॉर्डर पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने हो, और टेरेन व्हीकल भारतीय सेना की मदद करेगा। चाहे बर्फ हो या पानी, बड़े बड़े पत्थर या फिर रेगिस्तान और बड़े से बड़ा दलदल, सभी चुनौतियों को पार करने के लिए भारतीय सेना को एक बेहद जानदार व्हीकल मिला है। 0.1 अब चाहे आपदा के बीच रेस्क्यू अभियान चलाना हो या फिर बॉर्डर पर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने हो, और टेरेन व्हीकल भारतीय सेना की मदद करेगा। चाहे बर्फ हो या पानी, बड़े बड़े पत्थर या फिर रेगिस्तान और बड़े से बड़ा दलदल, सभी चुनौतियों को पार करने के लिए भारतीय सेना को एक बेहद जानदार व्हीकल मिला है। दरअसल चंडीगढ़ की एक डिफेंस कंपनी ने भारतीय सेना को एटीओ आरएसएमवीएन 1200 नाम से वाहन सौंपा है। कुल 98 वाहन दिए गए हैं। एटीओ आरएसएमवीएन 1200 को जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी जेएसडब्ल्यू गेको मोटर्स ने बनाया है। चंडीगढ़ में स्थित ये कंपनी देश की पहली ऐसी कंपनी है जो इस तरह का वाहन बनाने में सक्षम है। दरअसल चंडीगढ़ की एक डिफेंस कंपनी ने भारतीय सेना को एटीओ आरएसएमवीएन 1200 नाम से वाहन सौंपा है। कुल 98 वाहन दिए गए हैं। एटीओ आरएसएमवीएन 1200 को जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी जेएसडब्ल्यू गेको मोटर्स ने बनाया है। चंडीगढ़ में स्थित ये कंपनी देश की पहली ऐसी कंपनी है जो इस तरह का वाहन बनाने में सक्षम है। जानकारी के अनुसार जहां पर सड़कें नहीं है वहां पर भी यह वाहन आसानी से जा सकेगा। सेना को पेट्रोलिंग करनी हो या फिर किसी भी गंभीर स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना हो, वहां तक ही गाड़ी आसानी से पहुंच सकती है। कंपनी ने एनडीआरएफ टीम 2 गाड़ियां 15 दिन के लिए निशुल्क राहत और बचाव कार्यों में सहयोग देने की घोषणा भी की है। गाड़ी बनाने में कितना खर्च आया, कंपनी के डायरेक्टर जसकीरत सिंह ने बातचीत में बताया कि एक गाड़ी को बनाने में 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च आता है। रोचक बात है कि इस वाहन में कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं है और 2 लीवर के जरिए इसके पहियों को कंट्रोल किया जाता है। कंपनी जेएसडब्ल्यू मोटर्स को सरकार की तरफ से 98 वाहन बनाने के लिए प्रोजेक्ट दिया गया था और जून में कंपनी की तरफ से सेना को वाहन सौंपे हैं। इस वाहन की लाइफ 10 से 15 साल है। कंपनी ने बताया कि 8 और 1200 की लंबाई 4 मीटर के करीब है, जबकि ये 2.846 मीटर चौड़ा है। इसके बड़े बड़े टायर हैं और एक टायर ही ऊंचाई 1.8 मीटर है। वाहन की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी में ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। वाहन का वजन 2400 किलोग्राम के करीब है, जिसमें 1200 किलो भार उठाने की क्षमता है। साथ ही यह अतिरिक्त 2300 किलो वजन खींच सकता है। वाहन में कुल 9 लोगों के बैठने की क्षमता है। साथ ही इसका इंजन -40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री में भी चलता रहेगा। वाहन में 95 लीटर फ्यूल टैंक लगाया गया है और इसके अतिरिक्त 200 लीटर के कैन भी उपलब्ध हैं, जो कि करीब 2.5 दिन तक चल सकते हैं। अहम बात है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित देश के अन्य राज्य में हर साल फ्लैश और लैंडस्लाइड सहित अन्य आपदा आती है और अक्सर आर्मी राहत और बचाव में जाती है और इस वजह से सेना को रेस्क्यू और आवाजाही में आसानी होगी।